आप देख लो खुद इंसान वही है किसको चांद किसको को दाग देखने वाले करता। मतलब मैं इनको किस तरह से देखना चाहता हूँ अच्छा मुझे ये दिखना है इसमें आप खुद बना लेते हैं खुद ही बनाते हैं अपना रिफ्फ्लेक्शन भाई अब ये देख रहे हैं मेरे को ये सोच रहा हूँ उसके एंगल से अपना वो देख रहा हूँ अपने एंगल से अब अपने एंगल से मेरे को देख रहा है आप मुझे अपने एंगल आप से तो हैं। वही हैं। मैं वही इच्छे मैं कहाँ बदलने वाला भाई किसके बोलने से अगर तो चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं आज के एक नए गेस्ट नए मेहमान को लेकर अपने शो जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो आज के मेहमान अपने आप में एक शख्सियत है आज के मेहमान का इंडस्ट्री में एक अलग इमेज है आज का मेहमान जो है आपने तो नाम पढ़ ही लिया है इंडस्ट्री में अगर कुछ लोग स्टाइलाइज माने जाते हैं जैसे देव साहब थे आ, वो राजकुमार साहब थे ये भी एक, एक एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने पर्दे पर कुछ किया हो या ना किया हो जिंदगी में ना किया हो किया पर उनकी एक इमेज है जग्गू दादा की जैकी श्रॉफ़ की और वो इमेज सबको पसंद है सबके पसंदीदा पहचाने वाले जान पहचान वाले कलाकार हैं हर आदमी इनसे मिलना चाहता है और वेरी डिसेंट पर्सन वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन वेरी ऑलवेज स्माइलिंग और मुझे भी दो बार टकरा चुका हूँ इनके साथ और अच्छा लगता है इनकी कंपनी में अभी रिसेंटली मैं आनंद जी भाई के बर्थडे में इनसे मिला था और मुझे नहीं पता था कि मैं इनको बुलाऊंगा पर बाद में दिमाग में आया कि इनको मैंने फ़ोन किया और वो मान गए आ गए आज आ रहे हैं हम जानने की कोशिश करेंगे इनके परसोना के पीछे इनके इनके रोल्स के पीछे असली जैकी श्रॉफ, असली जग्गू दादा असली जय किशन कौन है क्योंकि इनकी लाइफ बहुत नॉर्मल लोगों की तरह से नहीं उठी है या मुंबई के बाहर से आए हों या झोपड़पट्टी से आए हों या पता लगा क्या बड़े बड़े घरानों से आए हों एक चौल से आए हैं। मुंबई की मशहूर तीन बत्ती चार रास्ता बहुत मशहूर एक जगह है जो मुंबई के टॉप में है एक तरह का पहाड़ी इलाका हैंगिंग गार्डन कहो या वहीं से इनका घर और वहां से कैसे निकलकर चौल सिस्टम को स्टिल अपनाते अपनाते इंडस्ट्री में आया हम जानने की कोशिश करेंगे चलिए आप कहे तो मैं अभी मिला देता हूं आपको चलिए मिलते हैं जैकी श्रॉफ जी से अरे अच्छा बैठ बैठ कच्चा है तो बैठ क्या सर बॉस है यस सर मुझे जी हां अंदर है हां अंदर है सर बहुत भारी फोटो है ना भाई इधर तो पूरा वो दो मिनट रुक सकता हूं ना बॉस को बोला मैं आया हूं हां yes बोल देना हां सर ये कहानी है यार वाह कहां है लेफ्ट के राइट यहां है यहां सादर प्रणाम आयुष्मान भाई यही कहूंगा क्योंकि पहले इंसान ने जिसने सादर प्रणाम किया ये तो लोग बोलते हैं हेलो सर मैं बोलता नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। <laughs> हमारी ये परंपरा है देश की और जग्गू दादा इज स्टिल विद द परंपरा दैट आई आई लाइक एंड शक्तिमान सर शक्तिमान तो शक्तिमान है लोगों के साथ बड़े बड़े बच्च लोग मुझे बोलते हैं सर आप बड़े नहीं होते मैंने कहा मैं बच्चों के साथ छोटा होता है जाता एक्चुअली बच्चों के साथ रहने से छोटा ही, ही हो जाता है सर बहुत बातें करनी है आई थिंक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आई बैठ की बहुत बात बहुत बात सेंस सर थैंक यू सर हर हर महादेव हर हर महादेव सो जैकी भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं बिकॉज़ ना विद सर्टेन एक्टर्स हमारी केमिस्ट्री अंदर होती है जैसे योर केमिस्ट्री विद अनिल कपूर में भी डिफरेंट मस्ट बी मस्ट बी बिकॉज फिल्में ऐसी की है विद यू हैव नॉट डन मच बट जहां भी हम टकराए हैं शूटिंग करते वक्त या महाभारत के सेट पर या अभी आनंद जी भाई के बर्थडे पर हमारी एक केमिस्ट्री रहती है बड़ी यू नो पॉजिटिव अरे कैसे वो ये वो वो अच्छा वो ये वो तो मुझे खुशी हुई यू नो कि मैं आपके साथ बहुत सी बातें करना भी चाहूंगा खुद के लिए भी

वेरी नाइस ऑफ दिस यूनियन वॉज वेरी इंपॉर्टेंटिंग ये कुछ साठ लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है बट इसमें से चंद लोग होते हैं जो कुछ खास होते हैं उसमें आपकी फोटो भी लगेगी खासतर में बाढ़ों की शैया से आपको तीर मारूंगा आपको जो तीर लेना लीजिए नहीं लेना तो आपको तो पता है नो बॉल नो बॉल करके चले जाना बट मुझे मालूम है यू आर अ वेरी बोल्ड पर्सन यू विल यू विल स्पीक योर माइंड आउट शुरुआत से करते हैं मुंबई के तीन बत्ती इलाके का जयकिशन आपका ओरिजिनल नाम जयकिशन जी मुंबई के तीन बत्ती इलाके का जयकिशन काकू भाई

आप ऊपर रहते थे पहाड़ के और तो मैं मैं समुद्र के किनारे रहता था पाली आप मैं पार पारी पारी आ, और और हम जाते थे कभी कभी हैंगिंग गार्डन तो टर्न मार लोग बोलते सर ये ये तीन बत्ती चार रास्ता है मैंने कहा बत्ती के तीन बत्ती है अभी भी वो तीन बत्ती है और वहाँ चार रास्ता है अच्छा फोर कॉर्नर जा रहा है एक गली गरम गली में जा रहा है चार रोड है वहां सर

ग्यारहवीं पास करने के बाद में मैं सोचा कि स्ट्रेस नहीं देना चाहिए बाबा को फीस के तो मैंने बोला मैं कॉलेज नहीं करूंगा तू बोले कोई, कोई बात तू एक्टर बनेगा बोला कोई दूसरा बाबा होते तो लाफा मारता उन्होंने बी बीके करंजिया साहब के लिए लिखते थे लिखा करते थे भारतीय विद्या भवन में लेक्चर देते थे

बने रहे अभी भी दोस्त सौ तो वैसे ही है कोई नहीं सब अपने टच में है सब खेल रहे हैं कूद रहे है, मजा ले रहे हैं कोई चले गए कोई है बढ़िया वेरी गुड टच में में हो तो वहां से आप... दो साल कर्दी करने के बाद में, बाबा ने बोला बेटा पुराने हो रहे हम बोले हाँ नहीं। नहीं नहीं बोले देख मास मीडिया तेरा है मांस तो मास का मैं सोचा कि क्या करूं तो मैंने बोला कि मैं एयर इंडिया में पर्सल का ट्राई करूंगा एयर इंडिया तो ग्यारहवीं पास था तो और एटी के डी एटी करके पास हुआ था मैं चाह रहा था नेवी ज्वाइन करना तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ले ली मगर मुझे मार्क बराबर आया नहीं तो उसको चेंज करके हाइजीन में घुस गया और टाइप राइटिंग ले ली तो टाइप राइटिंग और हाइजीन में मैं निकल चुका आगे उसके बाद में कुछ किया नहीं फिर अब आगे टाइम काम करने का नहीं। नहीं। अब आवाले वाले काम करने का तो मास मीडिया वाले मास मतलब पब्लिक के बीच में मैं प्लेन में घूमूंगा दुनिया देखूंगा

खादी के ये जो कर्टन है कर्टन के अभी ये पैंट बना लू इसका बहुत खूबसूरत तो वो साढ़े सात खादी भंडार से लेते थे अच्छा और आ, उसका जीन्स बनाता तो उसपे हैंड पेंट करके निकलते थे हाइट पे इतना बड़ा बिल बॉटम और फिर कलर अलग पीला कलर का पैंट काला कलर उसके ऊपर बटरफ्लाई बनाया हुआ फ्लैशी और हाँ फ्लैशी और साढ़े इंच का हील तो, ने तो कौन भोगेगा भाई तो कुत्ते भोग के आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये ये भी था कि ये साला। साला। वो नहीं है साला। उनको चार लोग गुजरते कुत्ते नहीं बाश्वा बाश्वा थर, मैं भी पहले चार को क्यों नहीं किया ये आदमी उठता तो उनको कुछ आपको

हम भी से गए तो मॉर्निंग लगते थे बहुत टैक्सी ड्राइवर गाने आ, गाने तो आपको आज भी सुनो तो लोटे खड़े आज रहे? के गाने तो सिर में यहाँ दर्द दिमाग में आ गए वो गाने सुनने के लिए एक टाइम पास होता था डेढ़ घंटे आपका कैसे तीन घंटे की फिर वो अभी भी हो रहा है जब मैं मुंबई से फार्म जाता हूँ तो रेडियो और अपना टेप रिकॉर्डर लगा देता हूँ गाना लगा लेता हूं, नहीं। तो किलोमीटर नहीं पता चलता कुछ गानों में ही निकल जाता वक्त क्या बात हाँ यार पता ही नहीं चलता है तो ये आपने स्टार्ट लिया जी वहां से फिर काम क्या तो करूज मिलाने तो आपने कहा कि मैं आया कैसे इंडस्ट्री में वहां से तो ये 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 स्टेप्स था दादा काम मिले नहीं दोनों जगह से बुलाये नहीं तो तीसरी जगह मैंने बाबा को पूछा तो बोले तो बेटा ट्रैवल एजेंसी जॉइन कर ले मैं ठीक है तो ट्रैवल एजेंसी के लिए मैंने कोर्स कर लिया तीन महीने का डिप्लोमा ले ली ट्रैवल एंड टूरिज्म और, और ज्वाइन कर लिया यस मिस्टर मिस्टर एंड मिसेज मुकेश खन्ना से जी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कोई प्रेफरेंस सर सीट प्रेफरेंस सर ये मैं काम करने लगा ये आप सीख गए ये सीख ये सीख गया मैं काम भी किया जी मैं उसके पहले कपड़े का चेकिंग कर रहा था सुपरवाइजर था एक्सपोर्ट क्वालिटी में जाता है बटन देखना कॉलर का एकसेले, एकसेले बराबर जॉइंट हुआ है वो सब करने के बाद में ये किया ये करने के बाद में कोई रस्ते पे मिल गया तू क्या करता है मॉडलिंग करना चाहिए क्या बोले तेरे फोटो लेंगे आपका मिलेगा की आपका फोटो लेंगे आपको पैसे मिलेंगे तो बोला यार ऐसे काम तो बोला ये काम कोई तो तो मेरा मेरा आ, ट्रेड विंग्स करके था वहां मैं काम करता था जहांगीर आर्ट गैलरी के सामने और ये थे यहाँ पे फलोरा फाउंटेन डावर्स कॉलेज के अंदर मिस्टर एंड मिसेज जैन मिस्टर जैन मिस जैन रीटा जैन तो मैं वहां गया उनको मिला और उन्होंने कहा जाके अपने कपड़े बना दो और मैं मॉडल बन गया एल डी ओ ब्राउन करके उस, कर उस वक्त कर, कोर्ट शूटिंग सर तो वो करना जो शुरू किए फिर पीछे देखा नहीं माँ को बोला रहे मगर हाँ कपड़े, were... कपड़े। गोदरेज का कपड़ लाने के लिए पैसे लगते थे पता नहीं कितना था उसको कपड़े पहले आए गोदरेजर जितने भी आए वो लटक के उसको लटका लटका के एक कमरे का दो कमरा कर दिया जैसे ये कमरा है तो इसके बीच में वो एंगल और उसके ऊपर कपड़े लटकाते तो बोले कि कर्टन बन गया ऐसे कर्टन कर्टन भी कर्टन भी हाँ। तो ये ये कपड़े आ तो मौडल। मौडल बन गया। करते, करते, कहीं से फोन आ गया आशा जी चंद्रा का बोले उन्होंने कहा पसंद करोगे हम सिखाते हैं बोला नहीं मैम तो बोला नहीं तो आ तो जाए यहाँ देव साहब का बेटा भी आता ये है हम लोग का फैन उड़ाए वैसे देखने चला गया देखने चला गया तो था वहां पर

घर जाते जाते माँ को भी बोला फिर मैं बोला मां डर भी लगता है गाने नहीं आता है डांस करने नहीं आता है, क्या करूँगा फाइट और कुछ नहीं बेटा जो होना सही हुआ तो पंद्रह दिन के बाद बुलाया बोले कि वो रोल मिठुंडा को दे दिया है वो सीनियर है उसे डांस भी आता है

तो मेरे दोस्त लोग जिसके लिए मैं मार खाता था वो बोलता जग्गू दादा जग्गू दादा करके आगे मार मेरे को पड़े दादा पीछे दादा तो जग्गू दादा नाम बट, ना बट वर यू जैसे हम कहते हमारे एक हम लोग गैंग में रहते थे तो उसमें कोई ना कोई एक आदमी ज्यादा आगे रहता लड़ने वड़ने के लिए वर यू दैट वे दैट मुझे आगे रखा जाता था। आगे रखा जाता तो

बिना तेरे तो फिर एक, एक बचाने की जोश बचाने की, बचाने की, की, बचाने जाने की जाने जाने ये अगर ये दस साल आप दस साल थे तो वो कितनी उम्र थे सत्रह सत्रह के दो भाई जी सिस्टर नहीं बहन मतलब मेरी कजिन्स है मेरी माँ के तरफ से और मेरे बाबा के तरफ से कजिन्स है मेरे कजिन हैं बट रियल सिस्टर दो दो भाई थे फिर तो तुम अकेले पड़ गए पूरा

सात खोली थी उधर सात खोली अच्छा सात खोलियां ऊपर सात नीचे और सात नीचे तो इक्कीस खोली तीन माले तीन माले की एक जमीन के लिए एक्षे... अगर हम बोलूंगी चार रास्ता जैसे है। से पहले टर्न आने से पहले अच्छा पे आगे गवर्नर हाउस जाती है सीधा गया तो गवर्नर हाउस आप सीधा नहीं गए ना बाबा फिर बीच में रुके राइट वही रुक गए राइट मारने से पहले ही रुक गए अच्छा राइट मारा तो इसके इस तरफ है। जी नीचे सब दुकानें हैं वो कमर्शियल हो गए कॉस्मेटिक दुनिया भर के जो भी छोटे 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 तो रोड

जहां पर जयकिशन भी जयकिशन यहाँ बैठते थे, थे पर वहां पर था तो तो और ब्रिज कैंडी में एक रेस्टोरेंट मशहूर था मैं नाम बोल रहा हूँ गजेबो वहाँ का एक मशहूर रेस्टोर जहां पर डिस्कशन करते थे तो हमारा जाने का रास्ता कौन सा या तो आप कैंप कॉर्नर से चढ़ गए आप पहुंच गए अपना हाजी अली या आप घुमा के गए तो रोड से चला गया पर आप इधर से ब्रिज के फिर महालक्ष्मी का मंदिर so, मेरी जिंदगी में वही गुजरी है अच्छा अभी देवानंद साहब की फिल्म स्वामी दादा से आपकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई लेकिन देव साहब के साथ आपकी आप उनकी फिल्म हीरा पन्ना में भी मौजूद देव साहब के बारे में से अपने रिश्ते के बारे में कुछ बताइए बचपन से प्यार है माँ माँ मुझे देवसा बना के भेजते थे ऐसे देवसा तो हाँ, मेरी पिक्चर सुभाष जी भी मुझे बोलता था निकाल

तो नंबर लेके फोन करूंगा यहाँ पर करके गए मेरा इंटरव्यू अच्छा। किरण कुमार तो आपको मतलब देव, देव, से साहब से निकाल के वो शत्रुघ्न सिन्हा बना के पूरी ये फिल्म में हीरो में मार मार के ठीक कराने बहुत प्यार से बहुत प्यार आ, से, से बच्चे की, की, की तरह संभाला बच्चे की तरह संभाला पर वर यू कॉन्फिडेंट अगर फर्स्ट शॉर्ट में कॉन्फिडेंस आ गया बोले तू जीप चलाने आता है बोला हाँ आता है बोले वहां से यहाँ ले आ उतर और जाके मीनाक्षी जी को देख झाड़ के बीच में से वो डांस कर रही है वहां पे चलाता ना जीप मैं बोला हाँ सुभाष जी चलाता हूँ बोला मैंने भी ये बोला था पूरा सेट तोड़ दिया था आराधना का तो डायरेक्टर जब अपने आप को ये बताता है कि मेरे में भी खामियां हैं तो मुझे ये लगा कि कि मैं इससे बुरा तो नहीं करेगा तो नहीं नहीं। तो तो फिर। 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 मुझे समझ गया बॉस बोल रहे की कोई बच्चा आता है तो उसकी इज्जत किस तरह से करना उसको कैसे आगे करना

You very beautifully and funnily asked मुंबई में कोई आपको खाने का प्रॉब्लम हो तो हमें बताना वॉट मेड यू से अपने सब अपने प्रॉब्लम सुनील शेटी कोई खाने के लिए पूछो को आए हैं

उन्होंने योगी जी ने रिएक्ट किया बाद में पता नहीं मैं अच्छा आप तो इधर तो तो से और उधर से फिर पॉपकॉर्न की बात मैंने की आठ सौ रुपए पॉपकॉर्न है शायद हो सकता है के, शो के बाद हाँ शायद वो बताया बस ये दो चीजें थी

और जितना उतना एनर्जी मिलेगा बाबा करे 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 जितना पब्लिक और इसी के लिए तो काम करते हो आप और क्या यही पब्लिक के लिए एब्सोल्युटली बहुत उन लोगों के लिए तो बुलाया बाबा ने और कैसे सुन, सुन कितनी शादियां हो गई बच्चे कितने हो गए उसके क्या बाद है मेरा हीरो इतना प्यार दिया उन्होंने आज तक फ्लूट की बात होती है क्या बात फ्लूट क्या बात है उसमें लक्ष्मी जी प्यारे जी सुभाष जी पूरी गैंग बाबा

आगे बढ़ते हैं तो आपको अगर किसी ने कह दिया कि जकी साहब बहुत मूडी हैं है तो निकाल दीजिए <laughs> आपसे सबका अपना हक हाँ है भाई सबको जो दिखता है वही बोलेगा अपना रिफ्लेक्शन होता है कि हम किसको कैसे देखते हैं मुझे इसमें क्या हो सकता है किसी ने किसी ने को हाँ मुझे इसमें क्या देखना है यू टू बी रिफ्लेक्ट आप देख लो यू वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट पर्सन यू वॉन्ट टू सी अच्छा खुद इंसान वही है वही है किसको चांद किसको दाग देखने वाले करता। मतलब पर्सेट्रेंग पर्सेट्रेंग पे आप किस मुझ में? आप मैं आप मुझे आप खुद बना लेते हैं खुद ही बनाते हैं अपना रिफ्लेक्शन भाई अब ये देख रहे मेरे को ये सोच रहा हूँ उसके एंगल से अपना एंगल एंगल से मेरे को देख रहा वही है मैं वही मैं क्या बदलने वाला हूँ भाई किसके बोलने से या करने बढ़िया बात कही आपने ले देखने वालों के परसेप्शन पे आ, बहुत कुछ चेंज होता भाई है।, कैसा है किसी को पसंद है किसी को सो तो <laughs> so, ये टैग है आप किसी को सुनाओ तो निकाल दीजिए अभी एक सवाल है कि लोग कहते हैं अगर किसी 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 को किसी गरीब या मजनूम की मदद या सेवा करनी हो तो जैकी श्रॉफ से सीखे जैकी दादा से सीखे जैकी दादा की इस नेकी के पीछे और उनकी कौन सी सोच या भावना काम करती है आप, आप लोगों की हेल्प करते हैं मैंने सुना बहुत माँ का दिल माँ का दिल बात खत्म सिखाया वही किए ने हमेशा पैसे ना भी हो तो अपने साड़ियां बेच के चूल्हा चालू रखने का कोई आया तो खाना देने का खाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है मैं तो ये पानी पानी पिला दे खाना दे बहुत हो गए पंडित जी भी आते हैं तो पहले पूजा में उनको हम मीठा और पानी देते हैं फिर उनसे लेते हैं

क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल है और अनिल एक्टर है उसे सीखने को मिलता है वो सीनियर भी है मेरा बोलता नहीं है सीनियर है मेरा पैर पड़ता है बाहर पब्लिक में ताकि मैं लगू सीनियर वो लगे आ, वो संभाला है उस आदमी ने अपने आप एक नंबर है वो अपना तो। लेकिन संभाला संभाला है अभी भी लगता है मेरा नहीं लगता है पर दीज आर हु लॉट फ्रॉम आई एम फ्रॉम साउथ बॉम्बे लाइक यू हमें तो एक्टिंग वैक्टिंग का कुछ मालूम था क्या एक्टिंग वैक्टिंग मुझसे जबान से कुछ निकला तो सामने वाला वाला भागा इसको या, तो वो वहीं से निकले तो है में। अनिल फिल्म ही सर, जिसने, जी, बाप फिल्मों में है रोशन एक्टिंग स्कूल तो उनसे उनसे समझकर बड़ा एनर्जी लेवल सीखा और वो भाई का वो इतना सीरियसली अपना काम करता है की मैं ऑटोमेटिकली सीरियस लगता हूँ सर इतना सीरियस है उसके बारे में मशहूर है कहानी सर फाइटर बोलते हैं सर सर फाइट करते है न वो इतना एनर्जेटिक होता ना सर मार देता कभी कभी डिशन तो बोलता सॉरी सॉरी सर आ, मैंने एक पिक्चर में पहले मैंने मार दिया मैंने सुना था इसके पहले तो गुलशन रो रहा था अरे यार बहुत मारा बहुत मारा आपने, आपने गुलशन जी।, जी आपके तो मैंने युद्ध में एक पंच मार दिया तो उसके बाद जब अरे बोला सर क्या लग रहा है सर बोला बता ऐसा चमड़ो हो गया बोला हंसू मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अच्छा चल आपका हाथ लग गया था उसको। अनिल चुपचापी सॉरी सर हम भी चुप चुप मार देते, बावा, तो सलाह बोलते हम लोग भी जानकारी यूं तो बहुत से एक्टर हैं इस जमाने में इस इंडस्ट्री में जो मुंबई कर है

तो सुबह लाइन लगती थी शूटिंग करना है फर्स्ट पहले मेरे को जाना है डबिंग के लिए सात बजे मगर सुबह सुबह सब दो चार पांच तो चल गए अंदर तो बोले बाबा बाहर निकलो जो जाना है मतलब बाहर बाहर लौकर अब हो थाम थाम तो थाम थाम करके किया और फिर पिक्चर लगी हिट हो गया तो उन लोगों ने मेरे को एक पैखा संडास मेरे नाम पे कर दिया ओनली फॉर यू एक्सक्लूसिव बोला सर नहीं आप लोग को ज्यादा हो जाएगा कि ओपन पच्चीस जन है थर्टी फोर जन है बोले नहीं नहीं आप रखो आप हमारे चाली का हीरो है लिए वो और ताला भी लगा के देंगे कोई नहीं जाएगा खुद का प्राइवेट जाएंगे सुबह सुबह जाने को मेरे को ऐसा शर्म आता था कि लाइन लगा तुम यूज करो ना मेरे बाद में बोले नहीं नहीं वो आपका है उन लोग लाइन में खड़ा रहता था मेरे को बोले नाम ये हमारी बम्बई की चौल सिस्टम की खासियत है ये जो चौल में नहीं रहा उसने बंबई नहीं देखा <laughs> <में> नहीं पड़ा हुआ <laughs> नो हर संडे बर्फ आ जाता था हर संडे को बर्फ बाजू के घर में फ्रिज था वो तो संडे को देता खाली संडे तो संडे को दूध में डाल के उसमें रू अफा डाल के संडे को रू हफ्जा पी रहे ठंडा ऐसा लगता था क्या माल ले दरिया देख ले लो रू अफा पी रहा क्योंकि संडे संडे बर्फ मिलता है आज आज याज याज नेक्स्ट फ्लोर में कौन रह रहा है फ्लैट किसी को नहीं मालूम होता उस जमाने में एवरीबडी बडी क्या रहा है उधर खाना कौन सी किसी के बर्थडे किसका वो क्या दैट इज द लाइफ ओके हिंदी फिल्मों में फिल्मों या फिर किसी भी भारतीय फिल्म स्टार बनने के लिए एक हीरो के किसी हीरोइन के साथ जोड़ी बनाना बेहद जरूरी होता है मैं नहीं मानता बट बट इट्स लोग बोलते हैं कि अगर किसी को स्टार बनना है तो एक हीरोइन के साथ उसका लगना चाहिए ये बहुत अच्छी जोड़ी है अच्छा, लेकिन एक पहले स्टार होने का नहीं न, कभी <laughs> पहले बोलते <थो। laughs> लेकिन एक स्टार होने के बावजूद जैकी श्रॉफ की जोड़ी आज तक किसी एक विशेष हीरोइन के साथ नहीं बन पाई क्या जैकी ने कभी कोशिश नहीं की या फिर निर्देशकों ने इसकी जरूरत ही नहीं समझी पता ही नहीं सर सबकी इज्जत की सबको उतना ही प्यार दिया कहीं बदतमीजी करने की कोशिश नहीं बट देन यू यू आर आर योरसेल्फ Head, head Why, किसी का साथ क्यों लगाते हैं कि ये कम लग रहा, आधा लग रहा है साथ में ये लग दो तो लगेगा पर आई थिंक निर्देशको बी विद इन जैसे महमूद और शुभा की हमेशा जोड़ी होती थी एक ट्रैक चलती थी उनका तो आज कभी तक ऐसा होगा नहीं किसी को एक पूरी ट्रैक मिल जाती थी ओके तो ये आपको जरूरत महसूस नहीं हुई मैं अभी आना चाहता हूँ आपके आपने हिंदी के अलावा तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम मराठी आदि कई भाषाओं में कोकणी, गुजराती मुंबई हाँ कौन सा कौन सा है गुजराती किया भोजपुरी की बंगाली किया उड़िया किया, 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 कि, किया, किया अच्छा मराठी तो क्या होगा मराठी किया तो इन सब के बाद आई थिंक टू फिल्मों में अपने ज्यादा अभिनय किया है जेके दादा को इनमें से किस प्रांत या भाषा के निर्माता निर्देशक को किसी को लगा के किसी कन्नड़ फिल्म का डायरेक्टर मुझे लगा या काम का याद ऐसा कोई स्पेशल डायरेक्टर या कोई प्रभावित किया किसी ने सभी ने प्रभावित किया अपने अपने हिस्से से सुभाष जी देव साहब ने प्रभावित किए सुष ने किए विधु विनोद का कितने प्रियम के किया कोई साउथ का कि, कुछ अलग अलग सबके कुछ भाव अलग कुछ कलर अलग कुछ स्टाइल अलग कुछ अंदाज अलग तो सब कुछ ना कुछ निकाला

जो कि युवा लेकर रॉ रॉ स्लेट होती है ना बच्चों की स्लेट इसीलिए आई थिंक यू वर गुड विद एवरीबॉडी आज तक स्लेट ही है मैं टेक्नीशियन को अगर लिया मेरे को तो बोला बेटा पीठ पे झाड़ उगा रहा है संभालना पड़ेगा पीठ पे झाड़ उगा रहा है पानी <laughs> लाना पड़ेगा <laughs> क्या बात है ये बात भी आपको अच्छा हिंदी अभी हम एक थोड़ा सा टुवर्ड्स आते हैं कि आ, हिंदी फिल्मों का आप क्या और कैसा भविष्य देखते हैं ऐसे में आप अपने सुपुत्र टाइगर श्रॉफ के करियर को बुस्टअप करने के लिए कौन सी कौन सी योजनाओं पर काम करें आर यू यू डू हेल्प टाइगर टू ग्रो और टाइगर नो no, no, मैं ऐसे कुछ नहीं। कुछ कुछ नहीं नहीं पहले पहले दिन से मैंने कुछ नहीं कहा पहले स्केट पे चढ़ाया जब बच्चा था तो रोलर स्केट लोग आजू बाजू कर रहे थे तो मैं बोला बेटा तू करेगा बोला हाँ करूंगा रोलर तो स्केट वन ब्लेड आते उस पे लगा दिया उसको काम पे चला निकला बाहर थोड़ा करने के बाद गिरा लगा खुद निकला बैठा थोडे देर पकड़ के खुद ही उठा फिर शुरू हुआ फिर जम बम जम हो गया समझ में आ गिरेगा, लगेगा, निकलेगा। समझ गया तो, ले, निकलेगा ले। तो एक, एक बाकी के माओ बाकी सब मेरी दो माँ मा, मम्मी और मदर इन लॉ साथ में आयशा साथ में आयशा और वाइफ साथ में तो सब घर के लोगों ने संभाला मैं तो बाहर शूटिंग करता कहा सात बजे निकला रात को बारह बजे पहुंचे बट ये जो जकी शरॉफ का जो ये मार्शल uh, लॉ में घुसने का शौक खुद खुद उसने किया, हाँ, खुद किया। बहुत, बहुत करता you, बहुत you, मतलब उसका वो कोई नहीं कर ऐसे -ऐसे ऐसे एक्शंस करता है और इनफैक्ट मैं एक फिल्म में अभी घुसते घुसते रह गया था ऑलमोस्ट में शूट थी wow. दिन दिन का काम है

सर कहना अरे बड़े बाजू पे रखिए बोल रहे में वो गुण है ये सब तहजीब से से के गुण है बहुत भारी परसन बनता बेड़ो बहुत भारी परसन बनता है लोग लाइक करते हैं आपको तो आपका ये मतलब ये है कि आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वो नहीं बन पाया को नहीं। क्या कहा मैं यार कल जहाँ था वहां से तो आ, दो, दो खत्म आ हूं। और और इस प्रसिद्धि को किस तरह से देखते हैं जो आपको मैं आया हूँ और बस माफी चाहता हूँ वही चप्पल है और पैंट पहन के आया हूँ वहाँ के जितने भी आदिवासी है उनके ओरिजिनल है वहाँ के उनको पूरा चेकिंग थैलेसीमिया Pressure, eyes, आई का पर। पर का नहीं, है बाबा। नहीं है सर मैंने भी किया को नहीं है मिलाने का औरत का खून मरद का खून दोनों के खून के अंदर माइनर होगा तो बच्चा मेजर होगा तो डॉक्टर से पूछना चाहिए कोई नहीं करता तो करना चाहिए भिड़ू नहीं तो हर पंद्रह दिन में वो छोटे बच्चे का खून बदलेगा पूरा ट्रांसफ्यूशन डायलिसिस नहीं वही का वही साफ करके नहीं डालेंगे बाहर का मंगाना पड़ेगा और डालना पड़ेगा क्योंकि आपने बोला नहीं आपको मालूम नहीं आ रहा हमारे को तो मालूम ही नहीं ये गायनाकोलॉजिस्ट लोग करेंगे जरूर करेंगे उनके हाथ में है बातें हो रही हैं और करना चाहिए सबको सबको बोलना चाहिए बेटा अपने अपने घर में सबको बोलो भाई माइनर चेक करो वाइफ एंड हस्बैंड बच्चा पैदा करने से पहले खत्म नहीं आप जो बोल रहे हो बच्चा पैदा करने के पहले है या दो जब हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं जैसे कुंडली चेक चेक करते हैं वैसे, वैसे ब्लड ब्लड चेक करूं। करूं। ब्लड ब्लड करना चाहिए वाला और ये है ब्लड है डिसऑर्डर बीमारी नहीं आए, है बीमारी नहीं ब्लड डिसऑर्डर है जो अगर आपका ऑलरेडी है तो आपको समझ के कुछ नहीं करना पड़ा आपको फिर अपना बच्चा पैदा करने में सोचना पड़ेगा अगर वो होगी तो या वो होगा तो अगर माइनर माइनर मिल गया तो मेजर होगा तो दोनों माइनर माइनर होने चाहिए कि दोनों नहीं होने चाहिए, चाहिए।, चाहिए एक माइनर एक मेजर होना चाहिए और वो डॉक्टर बताएंगे के हाथ में है। फट करके बता देंगे छोटे छोटे बच्चे में दिल्ली म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में देखा एक बेड पे दो दो जन इतने छोटे और यहाँ नर्स नहीं है तो यहाँ का नर्स ये नस क्या करते है उसका अंदर वो गुस्सा था सुई और खून चेंज करता है अच्छा जैसे जैसे डायलिसिस करते हैं ये ट्रांसफ्यूजन ये है। ट्रांसफ्यूजन है दादा क्योंकि बताया नहीं उन्हें कि आपको ब्लड टेस्ट करना चाहिए तो अपने किचन में बताओ अपने स्टाफ को बताओ अपने ड्राइवर को बताओ कि भाई शादी से पहले चेक कर लो सर फिल्मी दुनिया की तरफ बढ़ते हुए कदमों को नौजवानों को जय की दादा क्या सलाह देना चाहेंगे बड़ों की इज्जत कान खुल्लास और क्या बोलूं इज्जत बड़ों की इज्जत कान खुल्ला और जो कर रहा है उस पर ध्यान अगर एक्टर बनने आए तो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बन पहले माहौल देख पहले समझ क्या है कौन क्या है कैमरामैन बनना है कैमरा असिस्टेंट बन आर्ट डायरेक्टर बन आर्ट डायरेक्टर असिस्टेंट बन कुछ तो बन मगर किसी का चमचा नहीं बन क्या बात है नहीं मतलब मतलब पेखना है सुभाष जी जैसे नसीब और सुभाजी को उड़ा के ले वो कहा होता है बेटा कौन बहुत पैसे लगता है और मेहनत लगती है लोग बच्चे आते हैं स्टेज कर करके आते हैं स्टेज से एक्टिंग करके आते हैं कितने लोग स्कूल करते बड़े बड़े पैसे डाल के मगर सब अगर एक्टर डायरेक्ट नहीं एक्टर बनाओ मुझे अरे भाई असिस्टेंट डायरेक्टर बन असिस्टेंट कैमरा मैन मीडियम को समझ सेट समझ सेट को समझ लोगों से मिल नेटवर्क कर उसके बाद में लेना जो है वो छोटे से शुरू कर मैंने कौन सा बड़ा मेरे को तो मैं चम, विलन का चमचा बना था ठीक है नसीब है मगर एटलीस्ट इंडस्ट्री के अंदर तो था मैं ना होके भी तो कोई परिवार का अंदर से उन लोग एक्सेप्ट कर लिए प्यार दिए और आज मैं बैठा तुम लोगों के सामने शाना बनके बोल रहा हूँ <laughs> क्या बात और हेल्प वो, वो, वो किया आपको ये सब बनाने वाले ये लोग ही है यहाँ पे पता क्या मशहूर है तुम भी एक्टर मैं भी एक्टर मुझे डायरेक्टर के ऊपर कभी कभी खार आती है डायरेक्टर को कुछ नहीं बोल सकता असिस्टेंट को बोला था, क्या है क्या है अभी तुम लोग <laughs> क्या करते हो, डायरेक्टर को नहीं बोले तो मैं असिस्टेंट को बोला, को पंचिंग बॉक्स बन के खड़े रहने का ये तुमको सुनने के लिए रखा जाता है कि जाओ उधर ये ट्रू है, है हम, हम अपना पूरा गुस्सा असिस्टेंट डायरेक्टर भी निकालते हैं सर आगे बढ़ते हैं आ, मैं समझता हूँ आगे बढ़ने से पहले मैं आ, फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके पूछूं आपको अपने परिवार के बारे में आ, जैकी श्रॉफ का लड़का टाइगर श्रॉफ किन मायनों में सेम ग्राउंड पर इज ही सेम लाइक यू नेचर वाइज और ही लाइक्स टू टॉक हियर एंड देयर घूम-घाम हंस कैसा है लड़का आपका लड़का मुसीबता लोगों की इज्जत सबको सर काम सुबह उठ के जिमनास्टिक्स डांस एक्सरसाइज रिहर्सल गाने की प्रैक्टिस तो continuous, ये ये फोकस्ड इस फोकस्ड और मुझे मुझे तो शौक था पार्टी वगैरह जाने का ये वो टूर तो का शौक नहीं अच्छा अगर कोई बहुत बुला लिया और उसे शर्म आई कि नहीं गया तो खराब लगेगा तो मिलकर निकल जाता है गया, तो गया। अलग है काम वो अलग बच्चा वो उसका फोकस अलग है डिसिप्लिन आरबी का डिसिप्लिन है अरे वाह बस तभी तो मैं बताऊं ऐसी बॉडी बनाई है और ऐसे परफेक्ट क्विक मारता है मैं भी मैं भी मार्शल आर्ट मैंने किया मैं जूडो बेल्ट ब्लू बेल्ट बट आई हैव सीन दैट बॉय पैशनेटली डस स्मॉल स्मॉल कैमरे के बीच में डुडुंग गुडुंग मारता करके वो करता oh, तो मैंने कहा ये ऐसे नहीं होता है इसके लिए मेहनत चाहिए तो आप सही बोल रहे हो तो रोज एक्सरसाइज करना जाना

ना पर, आप मुझे पर, यू मैं जिसे, जिसे फिल्म शुरू होती है सुभाष जी ने आपसे आप आपको गेस्ट देके किया था जी। मुझे वो नजर आया आपका हीरो का कनेक्शन की सुभाष जी ही करवा सकते जैकी से ये रोल बिकॉज जैकी ओज इमोट Always, Always. All my life. तो वो आपने एक छोटा सा रोल किया करके निकल गए आप कुछ पानी पानी नहाते वहाते हो ऊपर से डाल पूजा और उसी वक्त गोली जाती है एक और फिल्म अगर आपको याद होगा हमने की थी बहुत साल पहले दैट वाज तलाशी तलाशी जिसमें आप स्पेशल इफेक्ट गाय बने थे आप वो चेंजेस करना वो करना और उसके उसके पीछे मर्डर की मिस्ट्री थी फिर आपके पीछे डॉन पड़ जाते हैं और आपका वो सात मिनट का मिनट का मेरे एक ट्रॉली एक मैंने राउंड ट्रॉली का शॉट लगाया था उन्होंने जिसमें मैं आ, इसको कौन है वो आ, 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 जी? हैं तो इनायत शेख था उसका और, तुलसी और शाम आराम से कर रहे थे तो बोला सर ये बहुत लंबा, लंबा पेज का है मैंने कहा करते हैं रिहर्सल करते, करते। सात मिनट का कर गया तो हम क्या समझते हैं अपना कैमरा घूम कैसे जा रहे हो इसको दिखाए फिर मेरे को दिखा फिर कर गए पर मेरे को याद है वो फिल्म बहुत ब्यूटीफुल थी अशोक शर्मा आई थिंक अशोक, अशोक शर्मा।, शर्मा जी बट बट मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि वो फिल्म रिलीज नहीं कर पाए क्योंकि मुझे लगता अच्छी बनी थी फिल्म मतलब एक एक मेकअप 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 मैन मैन गाय गाय ये थे जो जो प्रोस्थेटिक लगाने, लगाने वाले और वो कैसे करते उनके ऊपर कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और ये लोग भागते हैं शायद चावला थी साथ और भागते हैं और फंस जाते हैं इसके पीछे पूरी वो पूरा पुलिस भी है वो भी है मैं एक डॉन हूँ इनकी हेल्प करता हूँ

अभी भी मैं उनको यूज़ करने वाला था बट बट मुझे अफसोस रहा कि वो बड़े कम बात करते हैं हम हम काम पे कर, कर सकते हैं <laughs> हम लोग को कर सकते हैं <laughs> है। <laughs> सर एक और एक और लोगों के लिए शायद ये सस्पेंस हो और यू वांटेड टू प्ले और व्यूअर ऑफर्ड अर्जुन का रोल इन महाभारत आई हैव रियली डन सर You you? don't no, remember? No. Sir. Nobody offered you? No. But when I, when I the group na, आप आए थे कभी क्योंकि देखो आपके साथ में तीन लोगों का नाम जुड़ता है एक एक गोविंदा एक चंकी पांडे और जूई चावला जूई चावला को द्रौपदी बनना था चंकी पांडे और इसको दोनों को गोविंदा को अभिमन्यु का रोल करना था राजबर को अर्जुन बनना था और उन्हें छोड़ा साहब को कहा, कहा करेगा देगा मेरे को डेट

तो मैं ड्रेस में पूरी पहन के नीचे जाता था ये नहीं की नीचे बोर्ड पहनू मुकुट ये वो, है और लोग देते थे मुझे खुद को अच्छा लगता और ये एक्टर को जब फीलिंग आ जाए ना कि मैं अच्छा लग रहा हूँ परफॉर्म बेटर कर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके एक एक जेस्टर आपके होते हैं और अगर यार दाढ़ी पसंद नहीं आ रही यार या मेरा शुरू शुरू में ऐसा हुआ था मैंने

डिस्ट्रैक्शन होता ना ड्रेस का अब ये, ये ये दो, right, तो होना होना अभी ये एक और है आ, ये तो हो गया अभी आ रहे हैं और उसमें मैं एक एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग बॉल डाल रहा हूं आपको हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है आपने अभी मैंने आप तक तो बॉल डाली है अभी मैं

मन रहा है मैंने मैंने अपने चैनल पे आगे अनाउंस किया कि आपको अनाउंसमेंट करने आया हूं मैं कि शक्तिमान फिर से आ रहा है पब्लिक खड़ी हो गई थी एक दिन में पच्चीस लाख वो हो गए थे व्यूअर्स सोनी का हो गया था बट कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म डिले हुई क्योंकि उसके अंदर मैंने अभी जवाब दिया किसी को मैंने कहा देखो ये छोटी फिल्म नहीं है ये बड़ी फिल्म है और बड़ी फिल्म में बातें बड़ी होती है अभी जो कुछ भी हो रहा है आई एम नॉट सपोज टू टॉक अंदर बंदर हो रहा है बट धीरे 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 मैं एक दिन अब उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर शक्तिमान आप बनी ना कौन बनेगा मैं बोल नहीं सकता तो, और सब चाहते सर आपसे बढ़कर कोई शक्तिमान नहीं हो सकता है सर तो मैंने है। मैं है, मैंने कहा यार मैं रोल बट कहीं ना कहीं कमर्शियल लेवल की फिल्म बनेगी तो काफी कमर्शियल बातें होती हैं सो so, पर मैं रहूंगा मेरे बगैर शक्तिमान नहीं बन सकती ये तो सबको मान लूंगा आप नहीं रहोगे तो शक्तिमान दिखेगा नहीं जैसे उसने कहा था महाभारत में बीजम पितामानी होंगे तो बीजम महाभारत नहीं दिखती है सो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एनी थिंग नाप टू वे कंपेरिजन नहीं चाहते वो लोग तो इसीलिए मैं बनूंगा नहीं बनूंगा मेरे पास कोई जवाब नहीं बट आ रही है फिल्म यह आपको बता दू बहुत जल्द इसका फाइनल uh, अनाउंसमेंट होगा कौन डायरेक्ट कर रहा है कौन मेन रोल करेगा Uh, not a small thing. It's an international standard नहीं वो राकेश ऋतिक रोशन ऋतिक बाबा मुझे एयरपोर्ट में मिल गया ऐसे। मैं कभी बात नहीं की थी <laughs> मैंने सडनली देखा पीछे ऋतिक है वो अपना सामान डाल रहा था अब मैं किसी को हलो नहीं करता बट उस वक्त का लड़का मुझे अच्छा लगता है डिसेंट लगता है मैंने टर्न किया मैंने कहा हाई अरे सर जी सर जी तो से हाथ मिलाया मेरे को मैंने कहा अरे यार नाइस टू बोला डू यू नो सर जी इस वक्त एयरपोर्ट पे दो दो दो-दो सुपर हीरो खड़े <laughs> मैंने कहा शक्ति बट वेरी नाइसली रिमेंबर तो लोग वेट कर रहे देखते हैं मालिक की दया होगी तुम करेंगे सर हम अभी टुवर्ड्स द एंड आते हैं बहुत बातें कर दिया नॉट सीन दिस दिस चेहरा ऑफ जैकी जी सर टोपी पहन के दिखाइए ना थोड़ा इनको <laughs> ये देखिए ये हमारे आज के जैकी दादा है। so, या, ये तो मेरे को सुभाष चंद्र बोस की स्टाइल नजर आ रही है आपकी अच्छा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस oh, सर एक छोटा सा फनी सवाल है जी? आप दे सकते तो दीजिए मैंने अभी एक रिसेंटली एक, एक फ्रेस सुना अंडा कड़ी पत्ता <laughs> या आपने कुछ कुछ किसी को रेसिपी बताई वो वायरल हो गई सब लोग क्या है वो वो बच्चा मेरा सिकंदर बाबा मेरा बच्चा उसको रेसिपी चाहिए था अच्छा। तो मैं उसको अंडा का वो अंडा खाता है तो मैंने बोला अंडा और कड़ी पत्ता मिक्स करके कैसे खाने का तो वो रेस, वो रेसिपी बनाया था तो वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में घुस गई हो अच्छा रेसिपी है कड़ी पत्ता का कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता और अंडा

हमारे शो की घड़ी इसको इसको आप दीवार मुकेश भाई की घड़ी है ये में। और इसको याद करेंगे कि हमने क्या-क्या आपस में ब्ला -ब्ला 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 किया तो हाँ तो ले जाइए सर तीन देते हम आपको दो दो ये वाला जो पिया है इसको भी पैक कर दोनों दोनों अरे वाह वेरी गुड नाइस ऑफ यू टू कम सर मैं एक बात और बोलूंगा कि मैंने सुना है आपके आपकी आपके आजकल की इमेज पुरानी नहीं जग्गू दादा की इमेज नहीं आजकल आप सुना है कि आप शक्तिमान का एक बहुत फेमस गाना था एक पेड़ हर एक पे लगाओ एक पेड़ पेड़ nice. एक पे। मैंने सुना आप सबको पौधा बांटते हैं सही बात है आपके लिए अरे बात। लाएं। <laughs> लाएं। सर। क्या बात है इससे बड़ी बात नहीं है सर आपने जो ये किया है ना ये ये मैं समझता हूँ हम जितनी बिल्डिंगे बनाते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, सब एक एक आदमी, एक-एक पेड़ लगावे ना, हमारा दुनिया सर, लेकिन आप समझ लीजिए तो मैं, मैं तो सर। सर, मेरे पास भी आइए ये <laughs> मेरी तरफ बार। से बॉल अच्छा है <laughs> पहली बार कोई ऐसा पेड़ मुझे ऐसे पौधा दे रहे हैं बिकॉज हमारे ख्याल मिलते हैं तो ये थे हमारे आज के मेहमान जय किशन जी उर्फ जग्गू दादा उर्फ जय किशन एक अजीब एक अलग एक खुशनुमा पर्सनैलिटी के मालिक सालों से लोगों को मोहित करते आए हैं कभी पुराने पुरानी बातों से जो इनकी तीन बत्ती चार रास्ता की इनकी बातें पूरे फैली रहती थी इंडस्ट्री में वहाँ से लेकर आज की एक रिसेंट बात ने लोगों को वायरल बना दिया है इन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को प्रॉब्लम के बीच में कहा सर कोई खाने का घर का खाना खाना हो तो सर हमको याद करिएगा <laughs> ये बात इनकी ये सिर्फ जग्गू दादा कर सकते हैं और ये मैं कहता हूं कि ये ये उन एक्टरों में से है जिन्होंने देखिए हमारे इंडस्ट्री में कुछ एक्टर ही हैं चाहे राज कपूर साहब हों जो खा फिल्म खाते हैं पीते हैं सोते हैं नथिंग एल्स कुछ और काम नहीं ये जग्गू दादा भी मैं समझता हूँ इनका ऑलवेज एक इंडस्ट्री से कनेक्शन रहा है किसी भी इमेज में किसी भी तरह के गेटअप में किसी भी तरह के फंक्शनों में दिखते हैं तो इनकी एक टिपिकल अलग अलग एक एंट्री होती है वो जग्गू दादा आज हमारे इस प्रोग्राम में आए मैं यही कह सकता हूँ धन्य हो गए पुत्र धन्य हो गए <laughs> या मैं ये भी कह सकता हूँ कि बड़ी देर की मेहरबा आते आते जी हाँ मेरे और इनके बीच में काफी टेलीफोन कनेक्शन चले थे और आ रहे हैं बाद में इनके सेक्रेटरी इनके पीए का फोन आया सर गड़बड़ है हम नहीं आ पाते तो मैं इनके ऊपर डिपेंड करता था ये हाँ बोलेंगे तो मैं बाकी दो गेस्ट को बुलाऊंगा लेकिन अल्टीमेटली रात को सवा दो बजे मुझे मैसेज मिला सवा दो बजे रात को डेढ़ बजे सवा तो मैं सोया पड़ा था और मैसेज आया सर आठ तारीख को हम आ सकते हैं छह तारीख आज कल की बात करना पड़ सर सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम ऑफ द डे Uh, जय की सर सर आठ को आ सकते हैं मैंने रात को भी मैसेज मैंने कहा मैं कल सुबह बताता हूँ और सुबह उठ के मैं आठ बजे मैंने इंग्लियट मैसेज का कर सकते हैं हम लोग और किया हम लोगों ने आई एम हैप्पी दैट ही केम एंड आई टू नो अबाउट हिम आई वॉन्टेड पीपल टू नो मोर देन वॉट हिज नेचर हिज कैरेक्टर अपने लड़के के प्रति इनका क्या भाव है इन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया ये खूबसूरती से बताने पर हमको जो जो कुछ मालूम पड़ी आई 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 एम श्योर ही विल ही विल स्टिल गो फार अभी भी पिक्चर बाकी है अभी बहुत कुछ करना है इन्होंने और अभी हम लोगों ने भी साथ में कभी ना कुछ करना है क्योंकि बहुत साल बीत गए सौदागर के बाद हम कभी काम नहीं किया सो so, ये थे हमारे जैकी दा जग्गू दादा जैकी शरफ अब हम इसको यहीं विराम देते हैं अगले हफ्ते मैं किस मेहमान को लेकर आऊँगा ये मुझे भी नहीं मालूम आएंगे आपको सुनाएंगे आपको इम्प्रेस करेंगे सिखाएंगे सो वेट कीजिए वेट